नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू तवी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ ऋचा चन्ना। आम, आम किसे पसंद नहीं, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक आम को खाना पसंद करते हैं। और इस समय गर्मियां हैं और ऐसे में मौसम जो है वो आम का ही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी आम की खेती खूब हो रही है। और देखिए, बागवानी की जाती है। इस समय हम जहां पर मौजूद हैं वहां पर देखिए फार्म हाउस बनाया गया है, जहां पर कई सारे आम के पेड़ यहां पर देखिए लगाए गए हैं और कईयों पर यहां पर अब फूल भी पड़ चुका है आम के पेड़ों पर। और हालांकि ये जो वैरायटी के आम हैं ये अभी नहीं होंगे, भी इसमें थोड़ा वक्त है, लेकिन गर्मियां जैसे जैसे बढ़ेंगी वैसे वैसे बढ़ेंगी, क्योंकि हाइब्रिड पेड़ हैं। शायद आपको लग रहा होगा कि इतने छोटे से पेड़ पर कैसे फूल जो हैं वो पड़े हैं, लेकिन आप देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता पेड़ जो है इनकी ज़्यादा हाइट नहीं रहती इन पेड़ों की, आम के पेड़ की, और इसमें देखिए फूल जो है वो पड़ चुका है और अब आहिस्ता आहिस्ता। और अगर इस फार्म हाउस में देखेंगे तो बहुत सारे आम के पेड़ जो है यहाँ पर लगाए गए हैं। देखिए ये पौधे जो हैं सारे ये बीच बीच में आम के हैं, और यहाँ पर देखिए कितना सारा फूल जो है ये यहाँ पर इसमें पड़ा हुआ है। और आहिस्ता आहिस्ता ये पेड़ बड़ा होगा, क्योंकि हाइब्रिड पेड़ हैं तो ऐसे में इनकी ज़्यादा हाइट नहीं रहती, लेकिन फल जो है वो बहुत अच्छा पड़ता है इसमें। और अब आगे जो गर्मियाँ जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे ही इसमें जो है फल पड़ना शुरू हो जाएगा। और देखिए फार्म हाउस में बहुत ज़्यादा इस तरह के आम के पेड़ जो हैं वो लगाए गए हैं, और आम की खेती जम्मू कश्मीर में पहले भी होती आई है। और आप एक बार फिर से यहाँ पर देखिए, लेकिन युवा जो हैं वो इसका फ़ायदा उठा, क्योंकि अगर आप बागवानी करते हैं तो आपको सरकार की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, और ख़ासतौर पर ऐसी खेती जिसकी मार्केटिंग भी खूब अच्छी होती है और फ़ायदा भी उठा सकते हैं, और इसी में से एक आम की खेती भी है। कैमरा मैन ऋचा चन्ना, जम्मू तवी न्यूज़।